आज हम लोग बिल्कुल ऑफ टॉपिक बात करने वाले हैं, हम पर हम लोग के डाइट से हमेशा चीज़ रिलेटेड रहती ही रहती है। आज हम लोग शुगर का ऑल्टरनेटिव पे बात करेंगे, हनी की, जो सब लोग बहुत ज़्यादा हनी यूज़ कर रहे हैं। बट मार्केट में मैं ट्रस्ट नहीं करता हूँ कि कोई भी हनी पे, क्योंकि यार आपको क्या पता है, सारा शुगर सिरप होता है, आप नहीं पता कर सकते ये क्या दे रहे हैं। तो आज हम लोग आए हुए हैं, स्पेशली हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे, पता करेंगे और जानेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के शहद होते हैं और बहुत सारी क्वेरीज होती है। हम लोगों को नहीं पता होता, हम लोग शहर वाले होते हैं, कि हनी का भी फार्मिंग कैसे होती है, कौन शहद बना रहा है, क्या मिक्स करा हुआ उन लोगों ने, हम लोगों को नहीं पता होता। तो आज हम लोग खुद डायरेक्ट फार्मर से जो कि बीज पालते हैं उनसे पूछेंगे, जानेंगे और समझेंगे कि हनी का कैसे यूज़ करना चाहिए और किस किस टाइप के हनी होते हैं। तो चलिए मिलते हैं, हम लोग दो तीन लोगों से बात करेंगे और वो लोग हम लोग को समझाएंगे कि हनी किस किस टाइप के होते हैं और हम लोग उसको खरीदेंगे और हम लोग खुद उसको टेस्ट करेंगे। चलिए आगे चलते हैं और खुद डायरेक्ट लोगों से पूछते हैं इस बारे में। ये शहद है, इन्हीं से प्राप्त होता है, जो मधुमक्खियाँ हैं ये आप देख सकते हैं नीचे, इन्होंने बिल्कुल लाइव डेमो लगा के रखा हुआ है कि इनकी मधुमक्खियाँ हैं। जानेंगे हम लोग कि शहद कितने टाइप्स के होते हैं। अभी तक तो हम लोग सिर्फ डाबर और फर्जी शहद यूज़ करते रह गए। तो जैसे इसमें लिखा हुआ है यूकेलिप्टस का शुद्ध शहद और सरसों का शहद, और दिखने में भी अलग है। तो हम लोग जानेंगे और समझेंगे कि क्या डिफरेंस है मार्केट के शहदों में और हम लोग यहाँ पे आए यहाँ के शहदों में। जी, मेरा नाम पवन सिंह है, मैं अमरोहा से हूँ, एक एफपीओ संचालक हूँ, और हमारे पास लीची, अजवाइन, सरसों, सफेदा, कई प्रकार के शहद होते हैं। ये बिल्कुल रोज़ हनी होता है और जो मार्केट में अवेलेबल डाबर के पंचली ये होते हैं, सब कौन सिरप इसमें मिले हुए होते हैं, मिक्सचर शहद होते हैं जो सेहत के लिए बहुत हानिकारक हैं। मैं लोगों से यही कहूँगा कि शहद सीधे सीधे किसान उत्पादक से ही खरीदा जाए, डायरेक्ट किसान से खरीदना चाहिए। आपके पास कौन कौन से शहद अवेलेबल हैं इस समय? मेरे पास इस समय दिखने में अलग अलग होते हैं, लीची का शहद है, ये येलो कलर का होता है, ये सरसों का शहद है, और ये क्रीम हनी भी बोला जाता है। अच्छा अच्छा, विदेशों में इसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। अच्छा अच्छा जी, और ये यूकेलिप्टस का शहद है। क्या प्राइजेस में डिफरेंस होता है? प्राइजों में भी डिफरेंस है। लीची का जो हमारी प्राइस है जी, वो 350 रुपये के जी है, और यूकेलिप्टस की हमारी जो है वो 300 रुपये एक किलो की प्राइस है, और मस्टर्ड हमारी जो है वो 250 रुपये। अच्छा, ये मल्टी है, हमारे मल्टी है, वनों से प्राप्त हुआ। अच्छा, मतलब डिफरेंट, मतलब सारे अलग अलग जी। तो शहद के बारे में और बहुत सारे जो पेचीदा क्वेश्चन है वो पूछेंगे हम लोग, साथ ही बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस आदमी। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मुनीश शर्मा है, और आप कब से कब से आप काम कर रहे हैं? ये लगभग 20 साल हो गए। 20 साल। तो हम लोग, हमारे बीच में बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस इंसान है, और हम लोग को बता सकते हैं कि क्यों मार्केट के हनी में और हमारे जो बनाया जाता है, जो हम लोग खुद ही प्रोडक्शन होती है, उसमें क्या डिफरेंस रहता है? ये हम मधुमक्खी पालन है और अपना सीधा प्राकृतिक, शुद्ध प्राकृतिक रूप से जो शहद होता है वो हम उत्पादन करके अपने ग्राहकों को देते हैं जी। और मार्केट में जो होता है वो FSSAI के मार्केट में किया हुआ होता है जी। तो उसके बारे में हम पूछेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो शहद बनता है वो अलग अलग शहद अलग अलग टाइम पे बनता है कि ऐसा? हाँ, कुछ होता है कि जिस मौसम में जो फूल होता है, जिस फूल की अधिकता होती है, मधुमक्खी उस फूल से कुछ प्रस ला करके उसे अपने छत्तों में, बक्सों में उसका शहद बनाती है। मैं आपको दिखा दूँ अलग, इस समय जामुन का शहद आ रहा है, ये जामुन का शहद है जी। और ये शहद की लाइफ टाइम क्या, कब तक चलता है ये? ये शहद अगर सही, उसकी गुणवत्ता सही है तो इसका तो कई साल तक खराब नहीं होगा ये। अच्छा, और क्या इसमें कलर भी चेंज आता है कुछ समय के बाद? हर फूल का कलर और उसका टेस्ट अलग अलग होगा। जैसे मान लीजिए जामुन के शहद की बात करते हैं, तो अगर एक साल पहले इसका कलर ऐसा है तो क्या ये एक साल बाद ऐसा कलर रहेगा? अगर शहद की क्वालिटी सही है और हम कांच के जार में रखते हैं तो क्वालिटी और कलर एक सही रहेगा। अच्छा, हम आमतौर पर प्लास्टिक के कंटेनर में रखते हैं और टेम्परेचर का भी इसका ख्याल नहीं रखते हैं, गलत गर्म उसको रख लेते हैं, तो जिससे उसका कलर बदल जाए। अच्छा, कौन सा शहद जमता है और कौन सा शहद नहीं जमता है, जमने की बात कर रहे हैं? सरसों का शहद तो सबसे ज़्यादा जमता है, ये सरसों का शहद है जी, ये जमता है, और अपने भारतवर्ष में इसकी मार्केट भी नहीं है। अच्छा, ये यूरोप और अमरीका के देशों, ठंडे देशों को एक्सपोर्ट होता है। अच्छा, अपना सबसे ज़्यादा कौन सा बिकता है? बाकी यूकेलिप्टस, लीची, जामुन, ये अपने इंडिया में बिकते हैं। शहद चेक कैसे किया जाएगा ये असली है कि नहीं है, कैसे हम लोग पता कर सकते हैं कि कुछ उसका कुछ होता है कि नहीं होता है, कि हम लोग नहीं पता कर सकते? हमें तो 20 साल हो गए काम करते हुए, हम तो देख के चेक के ही बता देंगे जी। बाकी तो लैब में सही मानक तो लैब में जाकर के ही पता चलेगा जी। और जो भ्रांतियाँ हैं कि शहद जम जाएगा तो खराब होगा जी, चीनी होगी या उसमें मक्खी डाल देंगे,
तो उड़ जाएगी। या कई बार लोग भ्रांति करते हैं कि भाई रुपए पे शहद रख लो नीचे से आग जलाओ, वो कुछ नहीं है, वो केवल मॉइस्चर पे डिपेंड करता है। आप रसगुल्ले वाला पक्खर ले लीजिए, लोट के ऊपर रखिए, नीचे आग जलाइए, जब तक ऊपर रसगुल्ला पक्खर रहेगा लोट नहीं जलेगा। आप करके देखिए, पानी रख लीजिए, पक्खर अलग चीज़ है, रसगुल्ले का आप केवल पानी रख लीजिए ऊपर कागज के ऊपर, लोट के ऊपर मत रखिए, नीचे आग जलाइए, जब तक ऊपर पानी रहेगा कागज जल नहीं सकता। तो शहद तो अलग चीज है जी, शहद का ये कोई मानक नहीं है। आपके हिसाब सबसे अच्छा शहद कौन सा है? और सारे बढ़िया है जी, बस सकते कि वो प्राकृतिक हो रखे। अच्छा हाँ। और सबसे महंगा शहद कौन सा रहता है आपके यहाँ? सबसे महंगा शहद कौन सा होता है? सबके प्राइसेस अलग अलग रहते होंगे। नीम के शहद की उपलब्धता कम रहती है जी, और जिसे आयुर्वेद में अच्छा औषधीय गुणयुक्त माना गया है इसलिए ये महंगा होता है। अच्छा, नीम का महंगा होता है, नीम की उपलब्धता कम रहती है जी। हाँ, आज की वीडियो हम लोग खत्म करते हुए सिर्फ आखिरी क्वेश्चन, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम लोग जानना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि भाई हम आपका ही शहद क्यों लें? मार्केट में बहुत सारे अन्य बहुत ही प्रचलित शहद हैं, तो हम आपका शहद क्यों लें? शहद एक प्राकृतिक उत्पाद है जिसका आयुर्वेद में बहुत ही लाभकारी गुण बताए गए हैं। हमारे पास, हम मधुमक्खी पालकों के पास अलग अलग मौसम के, अलग अलग तरीके के, अलग अलग हिसाब से शहद मिलेगा। उनका सबका स्वाद भी अलग होगा, उनका कलर भी अलग होगा, और उनके सबके गुण भी अलग होंगे। और जो मार्केट में मिलेगा उनके पास ना कलर होगा ना गुड़ होंगे, सबका शहद एक जैसा होगा, और उसका जो प्राकृतिक गुण है वो उसमें प्रोसेस करते समय उसका वो नष्ट हो जाता है। हम बिल्कुल प्राकृतिक फॉर्म में शहद देते हैं जिसका उसकी प्रकृति चेंज नहीं होती है, और वो मनुष्य को जब उपयोग करता है तो उसे पूरा लाभ मिलता है। जो आयुर्वेद में जिसका योगवाही के रूप में इसका गुण बताए गए हैं वो पूरा लाभ मिलेगा। आमतौर पर लोग शहद शिकायत करते हैं कि हमने मार्केट से शहद खरीद कर खाया और उसका कोई हमें लाभ नहीं मिल रहा। आपका शहद मार्केट सस्ता है कि बराबर पड़ता है? हमारा मार्केट से महंगा पड़ेगा जी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मार्केट में अन्य अन्य प्रकार के शहद आते नहीं, उनका कलर बिल्कुल सेम रहता है, तो अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पूछूंगा कि मैं उनका परचेज क्यों ना करते हुए इनका परचेज करूं? तो आप बताइए कि मैं आपका ही शहद क्यों परचेज करूं? ऐसा है, हमारा शहद जो है वो जितनी भी भारत में MLC कंपनियां काम कर रही हैं वो सारा शहद को बीट करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं। कोई 70 सेल्सियस पे करता है, उसका 50 सेल्सियस पे करता है। हमारा शहद जो है वो हम अपने डुब्बों से निकालते हैं, जगह जगह विजिट करते हैं अपने मधुमक्खियों के साथ, जगह जगह फूलों विजिट करते हैं, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, पंजाब हो गया, उत्तराखंड हो गया। इसलिए हमारे पास अलग अलग तरह के आपको शहद मिलेंगे, हमारा अलग अलग मिलेगा, हमारे पास रॉ हनी मिलेगा आपको, हमारे पास कोई गर्म नहीं मिलेगा आपको, कोई गर्म करा हुआ शहद नहीं मिलेगा, सब कच्चा शहद मिलेगा हमारे पास, जो कि शुद्ध होगा, जिसके एंजाइम बिल्कुल शुद्ध होंगे। जब कोई भी MLC कंपनी शहद को गर्म करती है तो उसके जो एंजाइम होते हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं, उसकी शेल्फ लाइफ लंबी नहीं होती है। हम जो पैक करते हैं वो एकदम रॉ हनी पैक करते हैं, सब कपड़े से छान के और हम अपने कस्टमर तक पहुँचाते हैं। इसलिए हमारा शहद जितने भी गुणों वाले शहद के अंदर पर्याप्त मात्रा है। तो इसके लाभ जो है, अगर आप कोई भी शुद्ध शहद खाएंगे किसी मधुमक्खी पालक से तो उसके लाभ आपको बहुत मिलेंगे। मार्केट में आपको एक ही तरह का शहद मिलेगा जिसका बहुत कम लाभ मिलेंगे, जिसमें कि आजकल सिरप भी आ रहा है जी, जिसमें इन्वर्ट सिरप है, शुगर और उसमें राइस सिरप है, कॉर्न सिरप है। मुझे लगता है कि वो लोग शायद शुगर भी ऐड करते हैं उसी में। बता रहा हूँ ना सर आपको, राइस सिरप है उसके अंदर, कॉर्न सिरप है उसके अंदर, हमारे अंदर हमारे शहद के अंदर आपको कोई भी सिरप नहीं मिलेगा, आपको 100% शुद्ध मिलेगा जी। तो हमारे फार्म पे, हमारे फार्म पे आइएगा और विजिट कीजिएगा, जहाँ हम शहद उसको प्रोड्यूस करते हैं, शहद निकालते हैं। हमारी फार्म है बिलारी हरोरे गाँव। जो नेचुरल शहद रहेगा वो ऑब्वियस ही बात है बेटर रहेगा, और बेटर रहने के लिए हम लोग को क्या ही करना पड़ेगा, हम लोग को थोड़ा सा एक्स्ट्रा तो पे करना ही पड़ेगा। और फ्लेवर का एक ही केक ले जा रहे हैं हम लोग, इसको बढ़िया यूज़ करने वाले हैं। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं एंड करते हैं, और उन्होंने आज शहद के बारे में काफ़ी चीज़ें जान चुके हैं, समझ चुके हैं। सो ध्यान रखें हमेशा कि शुगर का ऑल्टरनेटिव ढूंढें, तो शुगर का ऑल्टरनेटिव जरूरी नहीं डाबर ही हो, हम लोग नेचुरल वे में भी यूज़ कर सकते हैं और अपने ही लोकल से ही परचेज करके उनकी मार्केट को और ऊपर कर सकते हैं। और सो अब हम लोग अलविदा लेते हैं, सो मेक इन इंडिया।